हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहना। कल रात मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, इसलिए आज मैं सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठ गया। मतलब मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा, नींद कैसे खुल गई मेरी। अब उठ ही चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम भी मॉर्निंग वॉक पर चलकर देखते हैं। चलो बाहर चलते हैं। एक चीज और बता दूं कि आज कॉलेज लग रहा है, कल भी कॉलेज लगा था, मैं कल भी नहीं गया, आज भी नहीं जा रहा हूँ। और मुझे अपने एक वो भोपाली दोस्त है ना अभिषेक, उसकी कुछ ज्ञान वाली बातें भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने मुझे कल 4 से 5 बार कॉल किया, मैं सो गया था और तो मैं कॉल भी रिसीव नहीं कर पाया। और उसको अभी रिटर्न मैं करता उसको भी मैं अभी उठाता, मॉर्निंग वॉक पर बुलाता, बट हमारे पास रिचार्ज नहीं है, इसलिए हम शांत बैठे हैं और अकेले मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं। इसे भी उठा दे क्या, चलो सोने देते हैं यार। भाई बाहर का सीन तो मॉर्निंग जैसा लग ही नहीं रहा है, देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। अरे ये क्या आ रहा है कैमरे के सामने। तो यहाँ पे समझदारी इसी चीज में है कि थोड़ी देर रुक जाते हैं। 2 मिनट के लिए मैं फाटक से बाहर निकला था और ठंड ने आटे दाल का भाव बता दिया मुझे, तो थोड़ा और वेट करते हैं, अभी अंदर चलते हैं। ये गैस ऐसे जल रही है जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो, देखो। तो भैया अब थोड़ी रूपरेखा चेंज कर दी हमने, स्वेटर पहन ली, अब चलते हैं। देखो भाई ओस कितना खतरनाक है, पूरा हमारा ट्रैक्टर गीला हो रहा है, ये जैसे पानी डाला हो किसी ने। मुझे इधर ही जाना है और इधर से ही कोलों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मॉर्निंग वॉक है। देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं उड़ रहा होगा यार। अब देखो कोहरा तो खेतों में कितना खतरनाक जमा हुआ है, ये देखो फ्लैश के साथ नजारा। मुझे लगता है बहुत अच्छी मॉर्निंग वॉक मेरी हो चुकी है, अब यहीं से हम वापस चलते हैं। चलो सुबह सुबह घूमने का कुछ तो फायदा मिला। भाई बहुत खतरनाक ठंड है। अरे आज सबसे ज्यादा आज। देखो तो दिख ही नहीं रही हो कहीं आगे, तो लंगड़ा 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 ठंड लग रही मार। दुर्गेश भैया की गाड़ी गीली हो गई यार, याद नहीं आई, नहीं तो उसको अंदर लगा देते। सुपर पावर्स, सुपर पावर दिखाओ अपनी अपनी। सुपर पावर, इसकी सुपर पावर ये है, मिट्टी खाता है ये। पापा जी और पुष्पदीप कल की ईंट लेने के लिए गए सोनालिका से और वो अभी तक नहीं आए। मामा जी के यहाँ पे गए थे ना, वो वहीं पे रुक गए, तो वो ठंड इतनी ज्यादा है, वो रात में कैसे आते हुए थे। और कार तो है नहीं जो कांच चढ़ाए और वर्र, तो शायद आज भी जब तक अच्छी धूप नहीं निकलेगी तब तक नहीं आएगी। उधर चले, वहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, अंदर ऐसा लगता है गुफा जैसे, कुछ दिख ही नहीं था। मोबाइल में तो क्लियर दिख रहा है, मोबाइल की वाट लगा दी। पता नहीं कैसे बट ये डिसीजन ले चुका हूँ मैं कि मैं नहाने जा रहा हूँ। वैसे नहा लिया है, मैं नहा लिया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपन चलते हैं मंदिर पर, काफ़ी दिन हो गए मंदिर पर नहीं गया। कपड़े वही हैं सेम, तो भी धूप निकल नहीं रही, कपड़े सूखेंगे नहीं। अरे 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 गैया देख रही इधर से, बस चांद चांद चांद। अरे 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 बस 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 क्या मुंह रख लियो ना, तो बस बस बस। भाई मैं जा रही हूँ मंदिर पे। भाई अब खतरनाक सी धूप निकली है, देखो थोड़ी देर में होश गायब हो जाएगा। मंदिर बहुत ठंडा है अंदर से, बाहर खड़े रहने में बहुत अच्छा लग रहा है। आओ मौसम का चनों पर असर दिखाता हूँ। इधर के चने देखो और फिर यहाँ के देखो, खेत अलग ही खाली खाली लग रहा है ना। पंसू बहुत जल्दी आ गई।
ठंड नहीं लगी? चलो तो हम चलते हैं अब घर पर। कर दी बंद? ये इस शख्स को देखा होगा कहीं पे। कॉल किया था क्या तूने? कितनी बार किया था, सो गए थे। ये सर रेडी हो गए स्कूल के लिए। मोबाइल क्यों ले जा रहा है आज स्कूल में? वो गाने के लिए वीडियो के लिए। भैया इनके अलग ही नख रहे हैं, खुद के काम के लिए। मतलब स्कूल में कौन फोन ले जाता है? परमिशन है ना। वो मेरा फोन ले जाना है इसको, मेरे फोन की क्या जरूरत है? वैसे भी आप घर पे क्या करोगे? कुछ भी करूं मैं, आप वो पढ़ने जा रहे हो, फोन चलाने जा रहे हो? बता, जवाब दे, जवाब दे, जवाब। दूसरों ले जा, गो ले जा। चलो अब हम थोड़ी तराई कर देते हैं। मैंने जस्ट अभी नाश्ता किया और अब समय है चाय का, मेरे लिए नहीं पीछे भैया के लिए। जाओ चाय पी लो। मामा जी चाय पी के जाजो। इन दोनों का अलग ही सिस्टम। मिट्टू आओ 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 आजा। चलो एक बार पीछे घूम के आते हैं। मम्मी जी काई बना रही है आज? आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी? बुआ जी का न्यू तो कर खाया। हाँ। चावल को काई बनाया? लड्डू। आटा तैयार है, तू भी खा ले। पेट भर गया राम राम का इतनी जल्दी? अब नहीं खा रहा भाई साहब। अपना सोनाली का वापस आ गया, मतलब ईंट आ गई है घर पे। प्रदीप तो आ चुका है, पापा जी पीछे ही होंगे। काम आज पे पकी हुई ईंट। बाबूजी नहीं है घर? नहीं है। और मामा जी? मामा जी पे हाँ, तो मामा जी से ही कह रहा हूँ। बाबू जी कहाँ चले गए? इतना सारा खाना मैं खाने वाला हूँ। हाँ आज बुआ जी घर को न्यू तो अच्छा। तो अभी लड्डू बनाया। फिर नाम का ये? नाम बता, नाम नाम बता। उधार ले गाना लगाऊं? हाँ भले लगा दे, वो नचल लगा। आजा। अभी तो मम्मी मम्मी का पास बंद करो। चला पापा जी, जगह छूट गई। चलो। पापा जी थोड़ा दूसरे काम के लिए जा रहे हैं। भैया एग्जाम फॉर्म। ठीक है मैं भैया जा रही हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद फॉर्म भरने के लिए। पापा जी और अशोक चाचा का कुछ डिस्कशन चल रहा है, तब तक अभिषेक भी रह के आ गया। कहाँ चलना है?
बस स्टैंड पे क्या काम है? क्या देख रहा है रे फोन में? अरे भाई साहब वही है। भगवान की कसम, क्या तो सब्जी खिलाई? पहले तो मैं बहुत मुश्किल से मानना के तैयार हूँ कि जो सब्जी है। ले ऋषि, इज्जत से बोल रहे हो? ये कोई तरीका होता है? भाई डिस्कवर का ये मॉडल अब तक कहाँ छुपा था? पता नहीं कहाँ चला गया ये मुझे छोड़कर। ये यही है मेरा घर। मारो एक काम तो। और पापा जी कहाँ हैं? पापा जी नहीं आए अभी। कहाँ है ना? पेंटी में ही होगा। क्या नाम है आपका? क्यों? ये लो पूरी डिटेल। क्या है? कौन से स्कूल में जाते हो आप? केजीबन। भाई बंदर आ गए हैं तुम्हें भगाने लगा था। चाय ऑफर की जा रही है मुझे, लेकिन मैं अभी चाय पी के आया हूँ, ऋषि ने बनाई थी। अपने फोन का फ्रंट व्यू देख रहे हो, पूरा बिगड़ चुका है। ये पहचान में ही नहीं आते साइड वाले तो। चलो तो पीछे घूम के आते हैं। छत वाली फीलिंग आती है इस पे। गाड़ियों को अंदर करना था इसलिए कार को थोड़ी अब लेट लगा रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट। एक और तगड़ी सी चीज मेरे दिमाग में चल रही है, मतलब वो बहुत फेमस है, बहुत कर्रा वीडियो उससे बनता है, वो अपन घर पे बनाएंगे। एक यहाँ पे है, ये कहाँ चल रही है? हेलो, ये यहाँ फोन पे लगा है। पहले इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आजकल है ना बहुत ज्यादा तेज ठंड लगती है मुझे। वैसे टाइम अभी हो रहा है करेक्ट 9 बज चुके हैं। सभी का खाना पीना तो हो चुका है, देखते हैं अब सोने की लाइन कब तक है। गाइस ये इतना बड़ा क्या जा रहा है? कल भी मैं सोचा हूँ कि कॉलेज नहीं जाऊंगा, गाड़ी तो चाहिए, मतलब कॉलेज तो लगेगा, बट मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो कल भी ऐसे ही घर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे। और शायद ऋषि का और अभिषेक का प्लान है कि कल सलकनपुर घूमने चलना है। तो अगर 12 बजने वाले हैं, टाइम पास चले जा रहा है, ठंड लग रही है अब तो खतरनाक वाली। तो मुझे लग रहा है कि आज के ब्लॉग को एंड करने के लिए ये करेक्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो गया। वैसे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।